देखिए रक्षाबंधन रसाल अपने भाई की ढाल सोमवार से शनिवार शाम 7:30 बजे सिर्फ दंगल टीवी पर। कहाँ हो सब लोग? ये बात है यशोदा देवी, जोर के बचा रखा है तड़ा, क्या हुआ है? मैं यूँ कह रही थी कि इस घर में सुकून ना है, शांति ना है इस घर में, कभी ये हो जावे कभी वो हो जावे, इंसान एक पल भी चैन से ना बैठ पावे, और ऐसे घर में जोड़े का रहना ठीक ना है। इसीलिए मैंने के किया है कि पंडित जी से बात करके आज रात को अखंड दाम्पत्य पूजा रखवाई है, इसमें जोड़े बैठते हैं, तो तुम और असार दोनों साथ बैठना इस पूजा में, और तुम दोनों को भी जरूरत है पूजा में बैठने की, क्योंकि मने लगे है कि तुम दोनों का रिश्ता भी ठीक हो जाएगा, और इसमें ना पति अपने पत्नी के लिए अपने हाथ से लड्डू बनावे और अपने पत्नी को खिलावे। हाँ, आइए पूजा के लिए लड्डू साथ में बना लेते हैं। कनक जी, आप हमेशा चाहती थी ना कि हम दोनों साथ हों, ये पूजा दाम्पत्य पूजा है, जोड़ों के लिए की जाती है, आइए मेरी मदद कीजिए। कनक जी, इस पूजा का महत्व क्या बताऊं? हम ये पूजा करके भगवान भोलेनाथ से प्रार्थना करते हैं कि वो हमारे जोड़े को हमेशा बनाए रखे, हमें हमेशा साथ रखे। ये पूजा ये दर्शाती है कि एक जोड़ा एक दूसरे पर कितना भरोसा करता है। कनक जी, मुझे लगता है कि हमें एक दूसरे को ये मौका जरूर देना चाहिए। कनक जी, जब तक मैं आपकी आंखों में अपने लिए वो प्यार और वो भरोसा दोबारा नहीं देख लेता ना जो आप पहले मारे पे करती थी, तब तक ये वादा है मेरा कि मैं चैन से नहीं बैठूंगा। अब आप लोग अपनी धर्म पत्नी को ये पुस्तक खिलाएं। कहीं किसी ने मेरी प्रेगनेंसी रोकने के लिए इस लड्डू में कुछ मिला दिया तो इसे मैं नहीं खा सकती। नहीं, मैं प्रसाद का अपमान नहीं करना चाहती, लेकिन मैं ये लड्डू नहीं खा सकती।